हेलो जी, वेलकम टू अश्विनेंद्र प्रोडक्शंस। आज की वीडियो बनेगी अतरंगी रे की, जो कास्ट है और उसकी कपिल शर्मा शो के अंदर एक स्पेशल एपिसोड है। बेस्ट मोमेंट्स के मोमेंट्स है उसके, वो इस टाइम वीडियो और कपिल शर्मा के शो के अपलोड हुई है। लग तो अतरंगी रे रहा क्योंकि वो थंबनेल के अंदर, ऊपर से हिंदी में लिखा हुआ है और लोग कहते हैं कन्वर्ट कर लो, गूगल कर लो, वो बड़े हम लाइव रिएक्शन देते हैं ना, कि प्री फ्रेम जो होता है वो सीन नहीं करते। तो आप उतनी देर लाइक करते, दोनों चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप इस तरह की और वीडियो देखने तो आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना है, क्या होना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम मेरे को स्टार्स को बुलाइए। जी, मेरे को स्टार सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना भाजी, आप ही नहीं दो, दो, दो। हेल्दी 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 फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग, बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है, हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट में इस तरीके से घुमा के कर रहा। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप, कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के भी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? नहीं। गिलास क्यों है? नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी, गिर ना जाए जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाओ, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है, वो मुबारक आपको। थैंक यू जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है जी? तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, जूस, फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं जी, फिर निकालते हैं जूस, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय पाजी ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं, इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इस तरह का इनका हिसाब किताब चलता रहता है। आप लोग समझ गए, मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, हाँ। तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे। पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या उसमें लिखा होता है? जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, है उसका सवाल था, कीकू का सवाल है, मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो जी, हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है तो जादूगर बाहर से बुलाते हो कि खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ?
मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे, कितने फंक्शन करता है रोज के तुझे बता फिल्में तो चार पांच आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं कितना कमाता है तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख सारा। हाँ जी। जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है, आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुंच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था तो उनकी जरूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा, जो कि आया। आपको मजा आया? आप खुद इतनी शरारती हैं और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं, मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारते भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ? सर आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ मिठाई के बात नाम पर, सर आपने बोला प्रसाद है ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अखा लहसुन दिया। सर दैट वाज रॉन्ग सर, दैट वाज रॉन्ग। इट वाज, यू फेल्ट बैड? आई मीन आई फेल्ट सिक। यू फेल्ट सिक लिटिल बिट? स्वेयर ऑन योर करियर यू एट इट। आई वुड हैव फेल्ट सिक इफ आई एट इट। अक्षय भाई जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? ओह शिट माय गॉड, आई थिंक ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। तारा आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं, और हमने एक और चीज सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है, ये बात सही है? हाँ मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था? इसमें जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। अच्छा मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना स्लेट आती है, उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी, सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ, और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है वहां, मतलब क्या बात है भाई, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज्यादा सीनियर है और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कुछ और पूछ रहे? लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर, कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं, आप ही बोलते हो ये सब, हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता। तो दोस्तों अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय। नमस्कार, वेलकम वेलकम। आओ बैठो, कहाँ बैठो, क्या बैठो? आनंद सर जोरदार तालियां हो रही है, आप बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नहीं इसको ठीक, क्या कर रहे हो? For more अक्षय कुमार, जैसा वो शैतान था बंदा, शैतान ही उसके माइंड में उसके चक्कर से पता लगता है,
वो हेरा फेरी में तो पता लग गया था काम ही है कमल ने गाने कमल जानबूझ के उसको ऐसे कह रहा था कहते हां मैं करूंगा करूंगा तो ओवरऑल बड़ी अच्छी वीडियो थी आपको कैसी लगी आपको अपने जो बताएं लाइक करें दोनों चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए सी या